हेलो दोस्तों, 23 फरवरी 2023 यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट की तौर पे अजय बंगा को नॉमिनेट किया है। 12 साल तक मास्टर कार्ड की सीईओ रहने वाले अजय बंगा ने मास्टर कार्ड की मार्केट कैपिटलाइजेशन को 20 बिलियन यूएस डॉलर से 360 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचा दिया था। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, डेविड मालापास जिनको 2019 में यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट की तौर पे चुना था, उन्होंने 2023 जून में अपनी प्रेसिडेंट की पद से पीछे हटने का फैसला लिया है। उनकी किस गलत फहमी की वजह से, गलत कदम की वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है और अजय बंगा को क्यों वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट की तौर पे चुना गया है, आइए आज की इस वीडियो में इस सवालों की जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। U.S. President Joe Biden has said Washington is nominating former MasterCard chief executive Ajay Banga to lead the World Bank. Indian American Ajay Banga is all set to lead the World Bank. This after U.S. President Joe Biden nominated him Ajay and appreciated Banga him. Ajay Banga is said to become first Indian origin president of World Bank and U.S. President Joe Biden. आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। वर्ल्ड बैंक के अंदर डेविड मालपास का चैप्टर स्टार्ट होता है 9 अप्रैल 2019 को। इनसे पहले वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था जिम यंग किंग। जिम यंग किंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप का क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज को लेकर आर्गुमेंट की वजह से जिम यंग किंग ने 2019 में वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट की पद से रिजाइन कर दिया। लेकिन 2016 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डेविड मालपास डोनाल्ड ट्रंप का इकोनॉमिक एडवाइजर था, बाद में ये दोस्ती में बदल गया, जिस वजह से जिम यंग किंग वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट की पद से हटने के बाद डेविड मालापास को वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट की तौर पे चुना था डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन डेविड मालापास के लिए ये सफर उतना अच्छा नहीं रहा। ये जो वर्ल्ड बैंक है इसका 5 ब्रांचेस है। पहला था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, चौथा था मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, पांचवा था इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। दुनिया भर में 189 कंट्रीज वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है और इसका 170 स्टाफ्स है। वर्ल्ड बैंक का मेन रीजन है डेवलपिंग कंट्री का इकोनॉमी डेवलप करना, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, डिजीज से फाइट करने के लिए टेक्निकली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट करना, एनवायरमेंट, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना। लेकिन डेविड मालपास आने के बाद ये सब कुछ धीरे धीरे बदलने लग रहा था। हालांकि ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 में उन्होंने काफी देशों को मदद किया। रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर में उन्होंने यूक्रेन के साथ खड़ा रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया, सरकार की कर्जा कम करना, गरीबी कम करने की तरफ ध्यान दिया। लेकिन इनको लेकर सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी तब हुआ जब न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया क्लाइमेट वीक इवेंट में इनसे पूछा गया, मैनमेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज रैपिडली डेंजरस वार्मिंग द प्लैनेट। तब मालपास ने पहले तो इस सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं। That the man-made burning of fossil fuels is rapidly and dangerously warming the planet. I don't even know, I'm not a scientist, and that is not a question. जिसके बाद काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुआ, और तो और पिछले साल 70 प्लस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली मालपास का रिप्लेस करने की मांग की है, जिस वजह से मालपास वर्ल्ड बैंक फिस्कल ईयर यानी कि 30 जून को अपनी रेजिग्नेशन का अनाउंस किया है, और इसीलिए जो बाइडेन अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट की तौर पे नॉमिनेट किया है, जिसके बाद इंडियन लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिला है। क्योंकि अजय बंगा का जन्म 1961 में पुणे के एक सिख फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी हरभजन सिंह इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी इकोनॉमिक बैचलर डिग्री पूरा किया और अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से अपनी स्टडी कंप्लीट किया। उनकी प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुआ 1981 में नेस्ले इंडिया के साथ। उसके बाद 1996 में उन्होंने सिटी ग्रुप ज्वाइन किया और 2009 में मास्टर कार्ड ज्वाइन करने के लिए उन्होंने यूएस में चले गए और 2021 में उन्होंने मास्टर कार्ड के सीईओ पद से रिजाइन कर दिया और उसके बाद जो बाइडेन उनको वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट के तौर पे नॉमिनेट किया है। इंडिया, घाना एंड केन्या जैसी कई कंट्री अजय बंगा को प्रेसिडेंट के तौर पे नॉमिनेट करने के लिए सपोर्ट किया है। लेकिन अजय बंगा जी ज्यादा से ज्यादातर कंट्री में रिलेवेंट इश्यू एंड चैलेंजेस को फेस करने के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। डेविड मालपास के बाद अजय बंगा जी किस तरह से डेवलपिंग कंट्री को मदद करता है, एनवायरमेंट के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर ध्यान रखता है, वो सब कुछ आने वाले कुछ सालों के अंदर पता चल जाएगा। इसमें आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में।